एक सत्य जानने के मन मंशा से आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ो या जिन भी ग्रंथों को आप पढ़ते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो उनके बारे में उनके ग्रंथों को पढ़ो, और उसके बाद आप पढ़ने के बाद ये सोचो, उसके बाद ये परखो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अगर लोग किताबें खोल के पढ़ना शुरू कर देना, मैं गारंटी बता रहा हूँ हिंदू धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि जैसे देश में हालात चल रहे हैं, हिंदूवाद को जो है ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है मसीहों के ऊपर। आए दिन ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जहां पर के ये लोग जो सो कॉल्ड हिंदूवादी हैं, ये जो लोग शांति से प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, उनके पास जाकर उनकी तोड़फोड़ करते हैं और राम राम के नारे लगाते हैं, और ऐसा करके सोचते हैं कि ये अपने ईश्वर के जो कि जो भी उनके आराध्य हैं राम, उनकी जो है प्रजा, उनके साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं या उनका वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, ऐसा करके वो कुछ मदद कर रहे हैं राम की या राम राज्य को लाने की। तो ये घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि मुझे देखकर दुख भी होता है और थोड़ा गुस्सा भी आता है, ऑब्वियसली आएगा ही, कि अगर हमारा संविधान हमें आज्ञा देता है, हमें इजाज़त देता है, हमें छूट देता है किसी भी धर्म को मानने की, तो आप कौन होते हो जबरदस्ती अपना धर्म या अपना ईश्वर किसी के भी ऊपर थोपने की। मैं कहता हूं मैंने पूरा रामायण पढ़ी है, मैंने राम को अच्छे से जाना है, समझा है, और राम बिल्कुल भी सत्य नहीं है, काल्पनिक ईश्वर है। रामायण जो है वो काल्पनिक है और ये काल्पनिक किताब है, काल्पनिक ईश्वर है, कोई भी घटना ले लो। और आज मैं इस बात को साबित करूंगा। मुझे ये करने का शौक नहीं है, ना ही मुझे पसंद है ये सब करना, लेकिन जब आप लोग शांति से प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करोगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छी बात तो ये है कि आप अपने ईश्वर की आराधना करते रहो, जिसकी भी आप कर रहे हो, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे क्रिश्चियन है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करने दो ना। अगर आपको लगता है कि राम अच्छे हैं तो आप अपने राम का परिचय कराइए लोगों से, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो राम की आराधना करेंगे, और नहीं होगा तो वो जीसस की करेंगे या जो अल्लाह है या किसी को भी मानेंगे। अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो उनको समझाओ, उनको बताओ प्यार से, लेकिन अगर आप लाठियां डंडे लेकर उनको मारोगे और तब बोलोगे कि तुम राम की आराधना करो, ऐसा करके तो आप राम के प्रति घृणा उनके दिल में और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि राम जो है वो ना तो कभी इस धरती पर, इस देश की धरती पर ना तो कभी चले, ना ही वो ईश्वर थे और ना ही वो सत्य हैं। सत्य इन द सेंस हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कि कभी मौजूद थे इस दुनिया में, इस धरती पर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा, आई बटन में आ रहा है। आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण के अंदर से बताता हूँ कि जिस ईश्वर को ये हम लोगों के ऊपर, मसीहों के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं, वो वास्तव में ईश्वर है ही नहीं, ठीक है। और जिन लोगों ने राम को, मेरे जैसे लोगों ने जो बचपन से जो कि राम या हिंदू देवी देवताओं की उपासना करते रहे, बड़े होकर उनको समझ आई, जब भी उनको समझ आई तब उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने बहुत सही किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा प्रभु है और राम एक मान्यताओं पर आधारित एक काल्पनिक ईश्वर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। वाल्मीकि रामायण खोलते हैं, वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ते हैं, अब वहाँ पर मैंने एक ये जो लिंक दिया हुआ है आर्टिकल का, उस आर्टिकल में सारी डिटेल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण गौतम बुद्ध के समय के बाद लिखी गई है, इसका प्रमाण खुद रामायण है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कभी राम का उल्लेख नहीं किया या उनके दौर में राम का अस्तित्व ही नहीं रहा, पर राम ने अपने मुंह से बुद्ध का नाम लिया है, मतलब राम के समय में बुद्ध का अस्तित्व था। हिंदूवादी बड़ी चालाकी से हमेशा एक साजिश करते हैं। हिंदूवादियों को यह पता है कि भारत में नई चीजों की अपेक्षा प्राचीन चीजों को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए जब कभी भी कोई बड़ा मंदिर बनता है तो ये कहकर प्रचारित करते हैं कि मंदिर बहुत पुराना है। द्वापर युग में यहाँ पांडवों ने पूजा की थी। हम हर मंदिर से इसी तरह की झूठी कहानियां जोड़ दी जाती है ताकि उस मंदिर का महत्व बढ़ जाए और वहां चढ़ावे की कमी ना आए। वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई श्लोक हैं जो बुद्ध और बौद्ध धर्म के खिलाफ लिखे गए हैं। वाल्मीकि रामायण के ये श्लोक इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि रामायण गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बाद लिखी गई है। यही नहीं, रामायण की बहुत सारी बातें तो इसके सम्राट अशोक से भी बाद लिखे जाने की पुष्टि करती है। ऐसे ही कुछ श्लोक जो अयोध्या कांड में आए हैं, यहाँ पर लेखक ने बुद्ध और बौद्ध धर्म को नीचा दिखाने के फेर में तथागत बुद्ध को स्पष्ट ही श्लोकबद्ध संबोधन करते हुए राम के मुंह से चोर धर्म
च्युत, नास्तिक और कई अपमानजनक शब्दों से संबोधित करवा दिया है। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनकी पुष्टि आप वाल्मीकि रामायण से कर सकते हैं, जिनकी पुष्टि आप वाल्मीकि रामायण से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक लिखे गए हैं, आपके अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है तो आप खोल के पढ़िए और देखिए ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा। यहाँ पर ये श्लोक जो है ये आप पढ़ सकते हैं, अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 33। मैं ये श्लोक नहीं पढ़ूंगा, इसका अर्थ पढ़ूंगा। इसका अर्थ है, हे जावाली, मैं अपने पिता यानी दशरथ के इस कार्य की निंदा करता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहाँ रखा, क्योंकि बुद्ध जैसे नास्तिक मार्गी। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी जो है ये लिखा हुआ है, बुद्ध जैसे नास्तिक मार्गी जो दूसरों को उपदेश देते हुए घुमा करते हैं, वे केवल घोर नास्तिक ही नहीं परंतु धर्म मार्ग से च्युत भी हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो एक और श्लोक लिखा हुआ, यथा ही चोर तथा ही बुद्ध तथागतम, नास्तिक मंत्र विद्धि तस्मादि यह शक्यतम प्रजानाम। तो यहां पर आप पूरा श्लोक पढ़ोगे, अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 34, पेज नंबर भी दिया हुआ है बाकायदा 1678। और इसका अर्थ क्या है, जैसे चोर दंडनीय होता है इसी प्रकार तथागत बुद्ध और उसके नास्तिक अनुयायी भी दंडनीय हैं। बुद्ध और बुद्ध की अनुयायी, ये कोई और नहीं कह रहा, वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई बात है, और बुद्ध के बारे में कोई और नहीं कह रहा, खुद राम ने के मुंह से बोले गए श्लोक है। ठीक है, तथागत बुद्ध और नास्तिक चार्वक को भी यहाँ कोटि में समझा जाना चाहिए। इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजा की भलाई के लिए ऐसे मनुष्यों को वही दंड दे जो चोर को दिया जाता है, परंतु जो इनको दंड देने में असमर्थ व वश के बाहर हो, उन नास्तिकों से समझदार और विद्वान ब्राह्मण कभी वार्तालाप ना करें। यदि इनसे जीत नहीं पाओगे, इसलिए इनसे वार्तालाप मत करो। इससे साफ है कि रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई, ना कि बुद्ध से 2000 वर्ष पहले। मूल वाल्मीकि रामायण से लिए गए श्लोक है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं हो क्या रहा है कि राम अपने मुंह से खुद बुद्ध को बुरा भला बोल रहे हैं कि बुद्ध तो नास्तिक है और ब्राह्मणों के विरोध में भड़काता है और ईश्वर के विरोध में लेकर जाता है, बुद्ध के विषय में इस तरह की बातें कही गई हैं। यहां पर क्या हिंट मिल रहा है, यहां पर क्या क्लू मिल रहा है हमें, त्रेता युग बोला जाता है, कहते राम त्रेता युग में थे और त्रेता युग लाखों वर्ष पूर्व की बात है, और जो गौतम बुद्ध हम जानते हैं अभी 3,500-4,000 वर्ष पूर्व जो है इस दुनिया में आए थे, और उनके जो है सारे एविडेंसेस हिस्टोरिकली एक्यूरेट हैं, कोई भी उनके ऊपर उनकी मौजूदगी पर डाउट नहीं कर सकता। लेकिन राम के विषय में ये क्या आ रहा है, अब बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से ये बोल देंगे कि ये तो जी अंग्रेजों ने मिलावट करी है। ठीक है, बढ़िया, जो जिनके पास कोई और जवाब नहीं रहता वो यही कहते हैं कि जी हमारी किताबों में अंग्रेजों ने मिलावट करी, अंग्रेजों ने कोई मिलावट नहीं करी, ये किताबें सब काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब तुमने जितना मर्जी इनको सच साबित करने की कोशिश, झूठ को सच साबित करने की कोशिश करनी है तो कर लो। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात ये कि यहां पर देखिए जितनी भी एविडेंसेस आप देख रहे हो ना रामायण से जुड़े हुए एविडेंसेस, वो बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं। मतलब एक एक चीज जो है, अब देखो राम जो है वो अभी तक के सबसे महानतम पुरुष, जिसको पुरुषोत्तम बोला जाता है, महानतम पुरुष, महानतम साम्राज्य, इतना महानतम बताया जाता है कि आज भी जो है सो कॉल्ड अपनी जो हिंदूवादी गवर्नमेंट चल रही है वो चाहती है कि इस देश में राम राज्य आए। लेकिन राम वास्तविक में सच है भी कि नहीं ये बताने को, ये साबित करने के लिए तैयार नहीं है। एविडेंस के नाम पर क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से खुद बचपन से मैंने राम को पूजा है, मैंने जब सत्य को जाना तब जाके मैंने छोड़ा, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा मार्ग है, तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को, पूरी रिसर्च के बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। ठीक है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात, तो और एविडेंसेस के तो बेस पर बोल रहा हूँ। ये जो आर्टिकल मैंने दिया हुआ ना, इसमें वीडियोस भी हैं, इसमें बाकायदा वाल्मीकि रामायण से निकाले गए जो है श्लोक भी हैं, आप किसी भी टाइम पर क्रॉस चेक कर सकते हो।
रामराज्य इतना महान था तो वहाँ रामराज्य से रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य वहाँ उस टाइम के खुदाई में निकले हुए उनके हथियार, ये वो, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हैं? ठीक है, कितनी ज़्यादा अभी वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे ना आप, दशरथ से पहले की जो जो वंशज थे वो क्या क्या हुआ, ऐसी ऐसी काल्पनिक घटनाएं। प्रॉब्लम पता क्या है कि हम लोग है ना किताबें ही नहीं पढ़ते, हमें जो बताया समझाया जाता है हम बस उसी पर चलते हैं कि बस जितना बताया जा रहा है वही सही है, खुद कभी खोलकर पढ़ेंगे नहीं। और भक्ति के नाम पर किसी का सर फोड़ना होगा तो सुनी सुनाई बातों पर सर फोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए मैंने एविडेंसेस, सारे एविडेंसेस मैंने डाले हुए हैं, वीडियोज भी है बाकायदा और श्लोक भी हैं, तो ये सारे श्लोक पढ़ के आप जान जाओगे कि वास्तव में राम जो है वो ना तो इस दुनिया में कभी थे, इस धरती पर पर्टिकुलरली हमारे देश में कभी भी नहीं थे, और रामायण कोई त्रेता व्रेता युग में लिखी गई कोई किताब नहीं है, वो गौतम बुद्ध के जो है गौतम बुद्ध के समय के बाद लिखी हुई है। और अभी एक कमाल की बात और है, बहुत सारे लोग इसमें और कहानियां जोड़ देते हैं कि वाल्मीकि तो उंगली कट गई थी और ये सब कुछ हुआ था, गौतम बुद्ध के बाद लिखी गई थी, वो सब कहानियां लोग मनगढ़ंत तौर जोड़ते हैं। एक और कमाल की बात यहां पर दिखाता हूं एविडेंस के तौर पर कि त्रेता युग तो पहले था, त्रेता युग था पहले, उसके बाद काफी समय बाद लाखों सालों बाद आया द्वापर युग, राम थे त्रेता युग में, कृष्ण थे द्वापर युग में। अब राम जो है वो पहले थे बाद में आए कृष्ण, तो क्या राम जो है जब जिक्र करेंगे तो क्या कृष्ण का जिक्र आएगा? राम और कृष्ण कभी समानांतर हो सकते हैं? समानांतर नहीं हो सकते, और अगर समानांतर हैं तो युग परिवर्तन वाली बात झूठी है कि ये युग इतने वर्ष का है, इतने युग में इतने वर्ष बीतते हैं फिर ये होता है, युग परिवर्तन वाली बात भी झूठी हो जाएगी और पुनर्जन्म की बात भी झूठी हो जाएगी और आत्माओं का जो भी बोला जाता है हिंदू धर्म में बताया जाता है वो वाली बात भी झूठी हो जाएगी। ठीक है, अगर कृष्ण और राम समानांतर हैं तो युग की बात झूठी है, और अगर युग की बात को अगर आप कहते हो सच है तो राम और कृष्ण दोनों ही काल्पनिक है। ठीक है, ये कैसे ये मैं बताता हूं। यहां पर एक श्लोक यहां पर लिखा हुआ है, ये श्लोक आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो यहाँ श्लोक का अर्थ क्या, श्लोक आप पढ़ लेना, इसका अर्थ है आप ही ये सब जो लिखा हुआ है जिसपे जो हाईलाइट हो रहा है, आप किसी से पराजित नहीं होते, आप नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले विष्णु और महाबली कृष्ण हैं। ये तो रहा एक, अब दूसरा श्लोक भी पढ़ लो, ये दूसरा श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांध कर इंद्र में तीनों लोकों का राजा बनाया, सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु है, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। ठीक है, तो ये वाले जो श्लोक है ना ये आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, ये तो बहुत थोड़े से एविडेंसेस हैं, इतने सारे एविडेंसेस भरी पड़ी हैं, मुझे पता है इसके बाद भी आप लोग पढ़ोगे नहीं, इसके बाद भी जो सो कॉल्ड अंधभक्त है ना जो आजकल गोबर के ऊपर जिनका पूरा जोर है, तो एक मंत्री तो बाकायदा गोबर खाने की पैरवी कर रहा है, कह रहा है गोबर से कैंसर ठीक होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, और एक और डॉक्टर का वीडियो आपने देखा होगा वो तो बाकायदा गोबर खा रहा है गोबर। तो लोगों के दिमाग इस कदर, लोगों के दिमाग पर जो है वो अंधभक्ति हावी है कि वो एविडेंस नहीं चेक करते, किताब खोलकर कभी पढ़ेंगे नहीं, अगर वहां पर गोबर खाने की बात भी बोली लिखी होगी ना तो अंधभक्ति इतनी हावी है कि गोबर भी खाएंगे और मूत्र भी पिएंगे, इस कदर हावी है। तो आप देख रहे हो कि कितनी सारी गड़बड़ियां हैं। इसके अलावा अगर आप एडम्स ब्रिज, जिसको एडम्स ब्रिज नासा कहता है, अभी पिछले कुछ समय में झूठी खबर चलाई थी कि नासा ने मान लिया है कि वो मानव निर्मित है, नासा ने ऐसा कुछ नहीं माना था, नासा ने बाकायदा प्रेस रिलीज निकाल के ये बात जो है इस बात को सत्यापित किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये लोग अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका जबरदस्ती श्रीलंका बना, श्रीलंका तो उसका नाम अभी कुछ दशकों पहले रखा गया, उससे पहले उसका नाम सिलोन था, है ना। तो ये सारे जितने सारे एविडेंसेज हैं, ये सिर्फ कुछ एविडेंसेज बता रहा हूं मैं, वीडियोज भी देख लेना, आर्टिकल भी पढ़ लेना जो मैंने लिंक दिया हुआ है, इनको पढ़ोगे आप जान जाओगे कि जो जबरदस्ती जो ईश्वर आपके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है ना, वो ईश्वर वास्तव में काल्पनिक है। ठीक है, और कोई भी इंसान भक्ति क्यों करता है? भक्ति करता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए? अब सोचिए अगर आप एक ऐसे ईश्वर की उपासना कर रहे हो जो ईश्वर है ही नहीं, जो सत्य है ही नहीं, जो काल्पनिक है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, कुछ कहानियां यहां से ली, कुछ कहानियां वहां से ली, और वो कहानियां ले लू के यहां से कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग उसमें लगाया और उसके बाद एक ईश्वर तैयार कर दिया। ठीक है ना, आज अंधभक्त बनाए जाने की जरूरत क्यों है? राम भक्त जो है ना आप देखोगे वो अंधभक्त है, अंधभक्त बनाए जाने की जरूरत क्यों है? ताकि लोग सवाल ना उठाएं, लोग सवाल ना उठाएं और किताबें खोलकर पढ़े नहीं। अंधभक्तों की खासियत पता क्या है? वो जांच परख नहीं करते, उनको बस
जहाँ अपनी भक्ति के विषय में जो भी बोला जाएगा वो करेंगे, अगर आप उनके भक्ति या उनके इष्ट पर उनको खतरा दिखाई देगा तो मरने मारने पर भी उतारू हो जाएंगे। अंध भक्ति के अंदर ये बात रहती है और ऐसा ही हो भी रहा है ना। जितने भी लोग राम की उपासना करवाते हैं, राम के विषय में भड़काते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि वाल्मीकि रामायण खोलो, खोलकर पढ़ो, क्रॉस चेक करो। हम कहते हैं हम जो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक हैं, हम कहते हैं हमारी बात सीधी ऐसे एज इट इज कभी मत मानना, बाइबल खोल के पढ़ो और देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा, और अगर बाइबल में लिखा है तो ही हमारी बात मानना, अदरवाइज मत मानना। हम इस बात को बड़े गर्व से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी बाइबल जो है वो 100% सच्ची है, प्योर है, खरी है, उसकी शिक्षाएं मानव जाति को सही रास्ता दिखाती हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये लोगों को चाहिए कि वो सिर्फ उनके मुंह की बातें सुने, कि वो अच्छी अच्छी बातें तोड़ बरोड़ कर पेश करें। अगर आम जनता, जनसाधारण अगर इन किताबों को, वाल्मीकि रामायण, ये सारी चीजें, तुलसीदास की रामायण और गीता, इन सब चीजों को खोल के पढ़ने लग जाएगा ना, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। वो बोलेगा यार वाकई इसमें कितनी काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं, महाभारत में कितनी काल्पनिक बातें लिखी, ये तो सच तो हो ही नहीं सकता। अगर लोग किताबें खोल के पढ़ना शुरू कर देना, मैं गारंटी बता रहा हूँ हिंदू धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोगों, जैसे मेरे साथ यही तो हुआ, जब मैंने किताबें खोल कर पढ़ी, मैंने बोला भैया ये तो सच नहीं हो सकता, ये महाकाल्पनिक बातें हैं। मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान तो कम से कम विज्ञान की कसौटी पर तोलता ही है ना चीज़ों को, तो जो भी पढ़ा लिखा इंसान है वो विज्ञान की कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर इन सब चीज़ों को तोलेगा, परखेगा, वो जानेगा कि सब काल्पनिक है। वही मैंने किया, वही जितने भी मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह में आए हैं हिंदू धर्म से, उन सब ने भी वही किया, उन्होंने जान लिया और उन्होंने असत्य को छोड़कर, मिथ्या को छोड़कर, काल्पनिक बातों को छोड़कर सत्य को अपनाया, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए अगर आप लोग भी, अगर आप भी, अगर कोई कट्टर राम भक्त मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको चैलेंज करता हूं, अंध भक्ति छोड़कर, लोगों की बातें छोड़कर, बाबाओं की झूठी बातें छोड़कर, आप बड़े ध्यान से और ओपन माइंड से, बायस्ड माइंड से नहीं, अंध भक्ति के दिमाग से नहीं, बल्कि ओपन माइंड से, एक सत्य जानने के मन मंशा से आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ो या जिन भी ग्रंथों को आप पढ़ते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो उनके बारे में, उनके ग्रंथों को पढ़ो, और उसके बाद आप पढ़ने के बाद ये सोचो, उसके बाद ये परखो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या ये जो बातें लिखी हैं सही हो सकती हैं, क्या ये वैज्ञानिक हो सकती हैं, क्या ये सच हो सकती हैं। मैं गारंटी बता रहा हूँ आपके मन में शक पैदा होगा, शक क्या पैदा होगा, यकीन होगा, और आप तुरंत ये सारी चीज़ों से हट जाओगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दोगे, जैसे मैंने दिया, जैसे और हजारों लोग दे रहे हैं। तो मेरी सलाह को मानिए, आर्टिकल पढ़िए, सत्य को जानिए, और सत्य आपको आज़ाद करेगा। गॉड ब्लेस यू।